हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। रक्षाबंधन का त्योहार है और आपका मनपसंद स्वीट डिश ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल हलवाई जैसा मलाई घेवर कैसे बनाए, वो भी घर पे मिलने वाले इन आसान इंग्रेडिएंट्स से। घेवर बनाने के लिए आपको चाहिए होता है घेवर का बेस, चीनी की चाशनी, रबड़ी और गार्निश करने के लिए पिस्ता, बादाम और केसर। रेसिपी स्टार्ट करने के पहले आपके पास आइस क्यूब्स और एक बॉटल ठंडा पानी होना जरूरी है। शुरुआत करते हैं रबड़ी से। यहाँ मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है, उसको तब तक पकाए जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए। इसमें एक चम्मच चीनी डाल देना है और थोड़े देर मिक्स करके साइड रख देना है ठंडा होने के लिए। ये बन गया हमारा रबड़ी। अब बनाते हैं शुगर सिरप, जो कि एक तार की होनी चाहिए। पानी गर्म हो गया है, अब उसमें चीनी और आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। ऐसा एक तार होने तक सिरप को उबलने दें। घेवर का बेस बनाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप जितना भी अच्छा रबड़ी बना ले या गार्निश कर ले, पर जब तक बेस अच्छा नहीं होता वो हलवाई वाला मजा नहीं आएगा। पर अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप बेस बना सकते हैं। इसके लिए पहले मैंने मिक्सर ग्राइंडर का जार लिया है, जिसमें 2 चम्मच घी और 3 आइस क्यूब्स डालकर ग्राइंड कर लिया। देखिए ये घी जो सॉफ्ट था आइस के साथ थोड़ा स्टिफ हो गया। अब हम इसमें 1/2 कप दूध डालेंगे। मेजरमेंट का थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद आपको वापस सॉफ्ट करना है। जो हमने 2 चम्मच घी डाला था वो बटर की तरह हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें छना हुआ 1/2 कप मैदा। ध्यान रखें इसको एक बार मत डालिए। थोड़ा थोड़ा करके डालना है मिक्सचर में। ऊपर से ठंडा पानी डाल के मिक्स करना है जब तक बैटर स्मूथ ना हो। देखिए मैंने 3 बार में 1/2 कप मैदा और ठंडा पानी मिक्स करते हुए ये बैटर को बना रही हूँ। अब एक सीक्रेट जो हलवाई वाले यूज करते हैं, आपको 1 चम्मच बेसन डाल के फिर से मिक्स करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी पतली होती है, इसीलिए आप चाहे तो और ठंडा पानी डाल सकते हैं। बैटर को ठंडा रखना क्यों जरूरी है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अभी है आइस क्यूब्स यूज करने का टाइम। मैंने एक पतीले में आइस डाला है और उसके ऊपर एक बोल रख दिया। हम अपना बैटर इस बोल में ट्रांसफर करेंगे।
इसमें हमने आधा चम्मच लेमन जूस या नींबू का रस डाला है। बस हमारा बैटर तैयार है। अब घेवर के बेस को फ्राई करना है। इस स्टेप में थोड़ी सावधानी रखनी है। आपको एक गहरा पतीला लेना है जिसका बेस मोटा हो। मैंने पतीले के आधे से कम मात्रा में रिफाइन ऑयल गरम करने रखा है। ध्यान रखे, फ्लेम तेज होना चाहिए, पर पतीले की साइड तक ना फैले फ्लेम्स। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें बिल्कुल सेंटर में थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे। एक बार बैटर डालने के बाद जब फोम कम हो जाए तभी दोबारा बैटर डालें। सेंटर में मैंने नाइफ से होल कर दिया है और उसी में बैटर डाल रही हूँ। मल्टीपल टाइम्स बैटर डालते रहना है जब तक लेयर्स ना बने। इस दौरान फ्लेम को हाई ही रखना है, बट घेवर बेस को ज्यादा ब्राउन ना करे। लाइट ब्राउन होने तक ही फ्राई करे। अब नाइफ से साइड को इस तरह स्क्रेप कीजिए, इससे ऊपर भी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। देखिए इतना शानदार बना है ये। बढ़िया जाली बनी है और कलर भी एकदम परफेक्ट। अब बैटर को ठंडा रखने का सीक्रेट ये है कि आपकी जाली तभी अच्छी बनेगी अगर बैटर ठंडा हो और तेल गरम। इसको एक छलनी में निकाल के रखा है ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। फिर उसके ऊपर चाशनी डालना है। आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से अपना चाशनी डाल सकते हैं। इसके ऊपर अब रबड़ी का लेयर डालें। देखिए कितने अच्छे से रबड़ी का लेयर बन गया। अब इसको गार्निश करें पिस्ता, बादाम और केसर से। लीजिए, तैयार है बिल्कुल स्वादिष्ट रक्षाबंधन स्पेशल घेवर। बनाना बिल्कुल हलवाई जैसा घेवर घर पर ही। अगर आपको ऐसे ही डिलीशियस खाने की रेसिपीज देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको घेवर खाके कैसा लगा।